वीर आधी रात को अपने घर के बालकनी में खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने घर के अंदर से लोगों का शोर सुनाई देता है। वीर भागकर सीढ़ियों से नीचे आकर देखता है। आस पड़ोस के लोग उसके घर में घुसकर जोर जोर से खूनी बहू का नारा लगा रहे थे। वीर गुस्से से कहता है, क्या हो रहा है ये सब? कौन खूनी बहू? देख बेटा, ये सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी बहू एक खूनी है। व्हाट? क्या बकवास है ये? जिसने आज तक एक चींटी नहीं मारी वो लड़की भला खून कैसे कर सकती है? आप सब पागल हो गए क्या? बकवास नहीं है, सच है। भलाई इसी में है कि चुपचाप उसे बाहर निकालो। एक खूनी को इस मोहल्ले में रहने की कोई हक नहीं है। चुप हो जाइए आप सब। मैं अपनी निशा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लड़की किसी की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकती, वो क्या खून करेगी किसी का? वीर बेटा, विश्वास करना अच्छा है लेकिन किसी पर अंधविश्वास करना अच्छा नहीं होता। तुम मानो या ना मानो पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो खूनी बहू तुम्हारी ही पत्नी है। वो ये सब क्यों ऐसा कर रही है, क्या मकसद है उसका, तुम्हें ये सब पता लगाना ही होगा। उस आदमी की बात सुनकर वीर अपने पुरानी यादों को ताजा करने, जब एक ही कॉलेज में निशा और नताशा नाम की दो जुड़वा बहनों ने एडमिशन लिया था, उसी शहर में रहने वाला वीर धीरे धीरे निशा को पसंद करने लगा और निशा भी वीर को पसंद करने लगी थी। एक दिन कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में वीर ने निशा को प्रपोज किया। निशा ने भी वीर के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नताशा की आंखों में आए आंसुओं को देखकर निशा ने मायूस होकर वीर से कहा, वीर मुझे लगता है मेरी बहन नताशा भी तुमसे प्यार करती है। क्या? लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरे घर वाले भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहते हैं, तुम्हारी बहन को नहीं। निशा वीर की बात मानकर जल्दी ही शादी के बंधन में बंध जाती है और नताशा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। वीर के घर वाले और वीर निशा जैसी खूबसूरत और संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश होते हैं। निशा भी अपना प्यारा सा परिवार देखकर खुशी से झूम उठती है। वो पूरे मन से अपने पति और ससुराल वालों का ख्याल रखती है। वीर भी उसे खुश रखने की सारी कोशिश करता है। मुंह दिखाए के दिन घर में मेहमान आए हुए थे। हर कोई लाल जोड़े में बैठी निशा का घूंघट उठाकर उसकी मुंह दिखाई कर रहा था। हाय, दुल्हन तो एकदम चांद का टुकड़ा है, नजर न लगे किसी की। जरूर पिछले जन्म में मोटी दान किया होगा वीर ने, तभी तो इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है उसे। जी बहन जी, सही कहा आपने। बड़े खुशनसीब वाले हैं हम जो इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है, वो भी आज के जमाने में। थोड़ी सी तारीफ का हकदार तो मैं भी हूँ। आखिर इतनी प्यारी संस्कारी लड़की को पटाने में सारी मेहनत मुझे अकेले कोई लगी है। वीर की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। निशा भी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। मेहमान खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। निशा फ्रेश होने के लिए अपने बेडरूम की ओर चली जाती। तभी कुछ देर बाद अचानक बाथरूम से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो आवाज वीर की छोटी बहन प्रिया की थी। वीर और सभी घर वाले भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं। वहां सबको प्रिया की लाश मिलती है। किसी ने बड़ी बेरहमी से प्रिया का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। खुशी का माहौल अचानक ही दुख में बदल जाता है। किसी को समझ नहीं आता आखिर क्या हुआ, किसने प्रिया की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। तभी वीर के पिता श्याम जी को प्रिया के हाथ में एक अंगूठी दिखाई दी। उन्होंने उसे चुपके से उठा लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, ये अंगूठी, ये तो निशा बहू की है ना? तो क्या निशा बहू ने ही मेरी बेटी का खून किया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला निशा क्यों अपनी सहेली जैसे ननंद का खून करेगी? अंगूठी जरूर उसने प्रिया को गिफ्ट में दी है। आप फालतू की कुछ भी सोच रहे हैं। वीर के पिताजी अंगूठी को जेब में रख लेते हैं और कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण मामला वहीं शांत हो जाता है। हर कोई प्रिया की मौत को एक हादसा समझकर भूल जाता है, लेकिन निशा अभी भी प्रिया को याद करके रोती है। वीर निशा को समझाता है, बस करो निशा, कब तक रोती रहोगी? आई नो कि प्रिया मेरी बहन थी और तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली भी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है बताओ? भूल जाओ, वो महज एक हादसा था। कल माँ और पिताजी की शादी की एनिवर्सरी है, तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी है।
तुम खुश रहोगी तभी सबको खुश रख पाओगी, समझी? निशा वीर की बात मानकर अपने आंसू पोंछ लेती है और फिर से अपने ससुराल वालों को खुश करने में लग जाती है। उस बड़े से घर में निशा अकेले ही सालगिरह की सारी तैयारियां कर रही थी। वीर सुनो ना, मुझे फूल और मिठाई लेने के लिए बाहर जाना है, क्या मैं तुम्हारी कार ले जाऊं? हाय, कितनी मासूम बीवी दी है भगवान ने मुझे, जिसे ये तक मालूम नहीं है कि शादी के बाद पति और पति के हर सामान पर पत्नी का पूरा हक होता है, इजाजत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। निशा शर्माते हुए वीर के हाथ से कार की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद निशा सामान लेकर घर लौटती है तो घर में मातम का माहौल छाया हुआ था। सासू माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। वीर भी अपने पिता की लाश पर सर रख कर रो रहा था। निशा ने चीखते हुए पूछा, ये सब क्या हो गया वीर? पता नहीं निशा, किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे घर को, पहले प्रिया और अब पिताजी। किसी ने कॉल करके इन्हें बाहर बुलाया था, रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। निशा अपनी सासू माँ को संभालती है। आस पड़ोस के लोग निशा को अब मनहूस मानने लगे थे। कैसी मनहूस बहू है ये, इस घर में एक भी दिन खुशी के नहीं जाता है, जब देखो तब मातम का माहौल रहता है। अरे मुझे तो लगता है इन सब में इसी नई बहू का हाथ है, आखिर ये भी तो बाजार गई थी ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, निशा आपको एक खूनी लड़की नजर आती है, जाकर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाइए आप लोग। बात बिगड़ती देख निशा सभी मेहमानों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें जाने के लिए कहती है और वापस अपने परिवार का ख्याल रखने में लग जाती है। उसी रात एक काले बुरखे वाली लड़की उन दोनों औरतों के घर में घुसकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देती है, जिन दो औरतों ने निशा को मनहूस कहा था। सुबह पूरे मोहल्ले में डर और मातम का माहौल छा जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। पुलिस की पूछताछ करने पर एक अजनबी आदमी ने कहा, साहब मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, अपने दोस्तों से मिलने आया था, लेकिन कल रात को इस मोहल्ले में मैंने एक काले बुरखे वाली लड़की को घूमते हुए देखा था, क्या पता वही खूनी हो। What? इस मोहल्ले में बुरखे वाली लड़की कौन हो सकती है? कोई ठोस सुराग न मिलने के कारण ये केस भी बंद हो जाता है। दो दिन बाद जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, निशा और वीर भी अपने बेड पर लेटे हुए थे। वीर को नींद नहीं आ रही थी, वो सिगरेट जलाकर बालकनी में चला गया और सोचने लगा, कुछ तो बात है, निशा को कार ड्राइव करना तो आता ही नहीं था, फिर उस दिन निशा ने कार कैसे चलाई, आखिर पिताजी को किसने फोन करके बाहर बुलाया था, निशा को मनहूस कहने वाली औरतों को आखिर किसने और क्यों मारा होगा, कौन है जो मेरी निशा को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। तभी वीर को घर के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं और वो भागकर नीचे हॉल में आ जाता है, जहां मोहल्ले के लोग उसके ही घर में घुसकर निशा को खूनी बहू कहकर जेल भेजने की बात का शोर मचा रहे होते हैं। वीर किसी तरह सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। सोना देवी अपने बेटे वीर से कहती है, पता नहीं बेटा सच क्या है, लेकिन धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है। तेरे पिताजी को भी निशा बहू पर शक हुआ था और आज पूरी दुनिया भी यही बात कह रही है। बेटा तो निशा बहू को घर से निकाल दे, वो लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है। वीर अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाता है और चुपचाप अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है, जहाँ निशा पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी। कुछ देर बाद वीर को अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर वीर तुरंत भागकर अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। वीर की आंखों के सामने उसकी माँ पर एक बुरखे वाली लड़की हमला कर रही थी। वीर ने तुरंत उस बुरखे वाली लड़की का हाथ पकड़ा और उसका बुरखा हटा दिया। चेहरा देखते ही वीर ने गुस्से से कहा, तुम तो तुम ही हो वो खूनी जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली, लेकिन तुम ऐसी नहीं थी निशा, फिर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? बुरखे वाली लड़की पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्योंकि क्योंकि तेरे बाप ने भी मेरे माँ पापा और भाई के साथ यही किया था आज से 15 साल पहले,
मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मैंने तो बस बदला लिया है और मैं तेरी निशा नहीं हूँ, मैं नताशा हूँ। मतलब तुम नताशा हो? तो फिर मेरी निशा कहाँ है? उसे तो मैंने शादी के दिन ही मार दिया था। मेरी मासूम पगली बहन ने तुमसे प्यार जो किया था, उसे तो एक दिन मरना ही था ना। मेरे पिताजी बुरे थे, हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में गलत काम किया। तुम्हारे परिवार के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने जो किया वो उससे भी बुरा है। तुम्हारी जगह अब जेल है। तुम्हें मेरे प्यार, मेरे भरोसे के साथ साथ मेरे परिवार का भी खून कर दिया। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। वीर अपनी माँ को बचा लेता है और नताशा को पुलिस के हवाले कर देता है। नताशा ने बदले की आग में वीर की सारी दुनिया जला डाली और इस तरह वो एक खूनी बहू बन गई थी। बदले की भावना से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती, इसलिए इंसान को माफ करना सीखना चाहिए, बदला लेना नहीं।